गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सबसे पहले आते हैं हेडिंग्स पे। सस्पेंडेड, जो निलंबित आईएएस ऑफिसर हैं एम शिवशंकर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया ईडी के द्वारा केरला में। ईडी जानते होंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो यूएस के राज्य के सचिव हैं, सेक्रेटरी जानते होंगे सचिव, पोम्पियो ने सिलेम आलोचना की है। सिलेम मिस क्रिटिसाइज, आलोचना करना, किसकी आलोचना की है? प्रीडेटर चाइना, जो लुटेरा चाइना है उसकी आलोचना की है। प्रीडेटर मिस लुटेरा, जो लूट की तलाश में घूमता रहता है, किसी की भी जमीन मिल जाए कब्जा कर ले। यहाँ पे चाइना को लुटेरा क्यों कहा गया? क्योंकि चाइना हमेशा जमीन पे कब्जा करना चाहता है दूसरे देशों की। और ये सचिव कहाँ पर है? श्रीलंका की यात्रा पर गए हुए हैं, ट्रिप पर गए हुए हैं। हमारे लिए दो वर्ड इम्पोर्टेंट थे, स्लैम आलोचना करना, प्रीडेटर लुटेरा कह लो या शिकार की तलाश में घूमने वाला कह लो। निर्मला सीतारमण और ऋषि सुनक साइन ऑफ का मतलब होता है स्वीकृति देना, अप्रूव। इन्होंने स्वीकृति दे दी है ताजा यूके इंडिया नीति पर, जो यूके और इंडिया के बीच की जो पॉलिसी है, नीति पर, उस पर इन दोनों लोगों ने स्वीकृति दे दी है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड था साइन ऑफ। सूर्य कुमार यादव और बुमराह ने हेल्प, मदद की है मुंबई इंडियंस की, पुल क्लियर एट द टॉप, शिखर पर पहुंचने में। पुल क्लियर एट द टॉप, ये पूरा एक फ्रेज होता है, शिखर पर पहुंचना, नंबर एक पे पहुंचना। ये टीम अब आईपीएल में नंबर वन पे पहुंच गई है, टेबल में सबसे ऊपर पहुंच गई है। इन बिहार पोल रैलीज, बिहार की चुनावी रैली में मोदी इनवोक, मोदी जी ने यूज किया है। इनवोक का मतलब प्रयोग करना, यूज करना। बिहार की चुनावी रैलियों में मोदी जी ने प्रयोग किया है राम मंदिर मुद्दे का। एस्यू जानते होंगे मुद्दा, यानी राम मंदिर मुद्दे का वहां पर जिक्र हुआ होगा। कांग्रेस कैन लुक आफ्टर फार्मर्स, कांग्रेस किसानों की देखभाल कर सकती है। लुक आफ्टर, देखभाल करना। बट कैन नॉट लाई, लेकिन झूठ नहीं बोल सकती प्रधानमंत्री की तरह। ये बात किसका कहना है? राहुल गांधी का। लाई मिस झूठ बोलना, यानी राहुल गांधी जी का कहना है कि कांग्रेस किसानों की देखभाल तो कर सकती है लेकिन प्रधानमंत्री जी की तरह झूठ नहीं बोल सकती। ट्वेंटी % रूरल स्टूडेंट्स, जो 20% ग्रामीण छात्र हैं। रूरल जानते होंगे ग्रामीण, और अर्बन होता तो शहरी। जो 20% ग्रामीण छात्र हैं उनके पास किताबों की कमी है। लैक मिस कमी होना, किसी चीज की हमारे पास लैक होती है तो वो चीज हमारे पास होती नहीं है, उस चीज की कमी होती है। ओनली 1 in 10, यदि 10 बच्चों की बात करें गांव के तो उनमें से केवल एक के पास ऑनलाइन क्लासेस की एक्सेस है, पहुंच है। एक्सेस का मतलब पहुंच, रीच। ऑनलाइन क्लासेस की एक्सेस है मतलब गांव के 10 में से केवल एक बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है। ये फाइंड ये किसने पता लगाया है? ASER ने। पार्लियामेंट्री पैनल, जो संसदीय समिति है, पार्लियामेंट जानते होंगे संसद, और पार्लियामेंट्री पैनल क्या हो गया? संसदीय समिति। पैनल क्या होती है? समिति। आस्क, संसदीय समिति ने कहा है ट्विटर से,
फॉर एफिडेविट, वो एक शपथ पत्र दाखिल कराए, एफिडेविट जानते होंगे शपथ पत्र, ऑन किसके बारे में, जियो टैगिंग ग्लिच, जो जियो टैगिंग की तकनीकी रुकावट आ गई है। ग्लिच माने होता है तकनीकी रुकावट, टेक्निकल प्रॉब्लम, ग्लिच मिस टेक्निकल प्रॉब्लम, तकनीकी रुकावट। जियो टैगिंग क्या होता है, अगर किसी चीज़ की, किसी जगह की, किसी प्लेस की जियो टैगिंग होती है तो उसकी भौगोलिक स्थिति का पता लग जाता है। जियो जानते होंगे पृथ्वी के लिए आता है, जियो टैगिंग का मतलब होता है भौगोलिक स्थिति का निर्धारण। अगर मेरी कोचिंग है उसकी जियो टैगिंग हो गई, इसका मतलब कोई व्यक्ति देख सकता है ये कोचिंग कहाँ पर स्थित है। जियो पृथ्वी के लिए आता है, टैग कोई नाम देने के लिए आता है। जियो टैगिंग भौगोलिक स्थिति का निर्धारण। कैपिटल्स, राजधानी की कैपिटल जानते होंगे, राजधानी जो डेली दैनिक वायरस के जो टैली है, वायरस से पीड़ितों की जो संख्या है, टैली जानते होंगे संख्या आंकड़े, वो पार कर गए हैं 5000 को पहली बार, यानी एक दिन में 5000 से ज्यादा पेशेंट मिले हैं। के का मतलब 1000 होता है, पता ही होगा। एससी रिजेक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। रिजेक्ट जानते होंगे अस्वीकार करना, सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है दिल्ली गवर्नमेंट्स प्ली, जो दिल्ली सरकार की याचिका थी उसको अस्वीकार कर दिया है। दिल्ली सरकार की याचिका किसके खिलाफ थी, दिल्ली सरकार ने याचिका किसके खिलाफ दायर की थी, जो जमानत दे दी गई है पिंजरा टोड के कार्यकर्ता को। पिंजरा टोड के कार्यकर्ता को एक्टिविस्ट जानते होंगे कार्यकर्ता, पिंजरा तोड़ के कार्यकर्ता को जो जमानत दे दी गई है उस जमानत के खिलाफ दिल्ली सरकार ने याचिका दायर की थी, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया, मतलब उसको जमानत मिलती रहेगी। कोर्ट रिजेक्ट, अदालत ने अस्वीकार कर दिया है। कंटेंशन आर्गूमेंट, कंटेंशन माने बहस, आर्गूमेंट, कोर्ट ने दिल्ली सरकार की इस बहस को अस्वीकार कर दिया है कि जो कलीटा है वो गवाहों को प्रभावित करेगा, इन्फ्लुएंस, प्रभावित करना, विटनेस, गवाह। पता है दिल्ली सरकार की क्या आर्गुमेंट थी, क्या कंटेंशन थी, क्या यदि उसे जमानत मिल गई तो वो गवाहों को प्रभावित करेगा, लेकिन दिल्ली सरकार की इस आर्गुमेंट को अदालत ने अस्वीकार कर दिया। अदालत ने कहा वो गवाहों को कोई किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा। मिजोरम लास्ट स्टेट, मिजोरम अंतिम राज्य है, रिपोर्ट जहाँ से सूचना मिलती है, मिली है कोविड 19 की वजह से मौत की। फैटेलिटी क्या होता है, मौत, डेथ। ग्रीन क्रैकर्स, हरे पटाखे, हरे पटाखे वो होंगे जो प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। टू मेक फुल फ्लैश्ड दिल्ली डेब्यूट, ये डेब्यूट कहाँ पे कर रहे हैं, पदार्पण कहाँ कर रहे हैं, दिल्ली में। डेब्यू जानते होंगे क्रिकेट में सुना होगा, कोई क्रिकेटर डेब्यू कर रहा है इंटरनेशनल मैच में, डेब्यू कर रहा है मतलब पदार्पण कर रहा है, पदार्पण का मतलब सबसे पहला मैच कर रहा है, सबसे पहला मैच खेल रहा है। यहाँ डेब्यू का मतलब क्या है कि सबसे पहले ये ग्रीन पटाखे जो हैं, ग्रीन क्रैकर से सबसे पहले कहाँ पे यूज किए जाएंगे, दिल्ली में, उसके बाद अन्य राज्यों में यूज किए जाएंगे। फुल फ्लैश्ड, पूर्ण विकसित, फुल फ्लैश्ड का मतलब पूरी तरह से विकसित, फुली डेवलप्ड, फुल फ्लैश्ड का मतलब फुली डेवलप्ड। तो जो हरे पटाखे हैं वो पूरी तरह से विकसित पदार्पण कहाँ पे करेंगे, दिल्ली में, यानी दिल्ली में इस बार जो पटाखे चले जाएंगे वो कौन से होंगे, ग्रीन क्रैकर्स, प्रदूषण रहित पटाखे। फायरवर्क्स, जो आतिशबाजी है, फायरवर्क्स जानते होंगे आतिशबाजी,
सेल, उसकी जो बिक्री है, सेल जानते होंगे बिक्री, आतिशबाजी की जो बिक्री है, लाइकली संभावना है, लाइकली जानते होंगे संभावित, आतिशबाजी की जो बिक्री है उसकी संभावना है रिमेन, कि वो बिक्री बनी रहेगी, लो कम बनी रहेगी फॉर थर्ड कंसेक्टिव दीपावली, लगातार तीसरी दीपावली। कंसेक्टिव क्या होता है? लगातार, लगातार का मतलब 2019 में भी जो पटाखों की सेल थी वो लो रही थी, 2018 में भी लो रही थी, और लगातार तीसरी दीपावली पे भी कैसी रहेगी? लो, ड्यू टू, इस बार किसकी वजह से कम रहेगी? कोविड की वजह से और आर्थिक मंदी की वजह से। ड्यू टू जानते होंगे के कारण से, इकोनॉमिक आर्थिक स्लो डाउन, मंदी, स्लो डाउन कह लो, रिसेशन कह लो, एक ही बात है। डेली, दैनिक वायरस की जो संख्या है, ब्रीच, उसने तोड़ दिया है 5000 के निशान को, 5000 के निशान को तोड़ दिया। इसका मतलब डेली जो पेशेंटों की संख्या है वो 5000 से अधिक मिलने लगी है। ब्रीच में तोड़ना, ब्रेक, मार्क जानते होंगे निशान। कैपिटल बिटनेसेस, राजधानी गवाह बन रही है, राजधानी में देखा जा रहा है। बिटनेस माने गवाह होना या देखना, एक ही बात है। अगर हम किसी घटना के गवाह हैं, इसका मतलब वो घटना हम देख रहे हैं। तो राजधानी में क्या देखा जा रहा है? रिकॉर्ड कोविड 19 के केसेस मिले हैं। रिकॉर्ड का मतलब बहुत ज़्यादा केसेस मिले हैं, रिकॉर्ड तोड़। फॉर सेकेंड डे, दूसरे दिन लगातार, इन एरो का मतलब लगातार, बताया था कंसेकटिव। 5673 ताज़ा संक्रमण हुए हैं 24 घंटों में। इन्फेक्शन जानते होंगे संक्रमण। स्कूल्स, जो स्कूल हैं, रिमेन, बने रहेंगे, सट, बंद बने रहेंगे, ये बात मनीष सिसोदिया ने कही है, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। पेरेंट्स, जो माँ बाप हैं, केजी, CAGEY, केजी में सावधान, कॉसस, पेरेंट्स सावधान है अपने बच्चों को भेजने के बारे में। किसके लिए? फिजिकल क्लासेस के लिए। फिजिकल क्लासेस जानते होंगे, स्कूल में जाते हैं वो फिजिकल क्लासेस होती है, अभी घर से पढ़ रहे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो माँ बाप जो है सावधान है अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के बारे में। केजी का मतलब सावधान, CAGEY। आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐड जोड़े हैं, 1330 सीटें जोड़ दी हैं, 9 जो वर्तमान में कोर्स हैं, कहाँ पर? IPO में। एग्जिस्टिंग का मतलब वर्तमान में, कोई चीज एग्जिस्टिंग में है तो इस करेंट में है। वर्तमान में जो 9 कोर्स हैं IPO में, उसमें सरकार ने 1300 सीटें जोड़ दी हैं, मतलब 1300 छात्र और उसमें अब क्लास ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। वी आर ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं हेल्प, मदद करने की विद्यार्थियों की इन हार्ड टाइम, परेशानी के समय में, हार्ड टाइम्स परेशानी का समय। कोर्ट एक्विट्स, अदालत ने बरी कर दिया है। एक्विट माने रिहा करना, बरी करना, बाइज्जत बरी करना। एक्विट का नाम सुना होगा, एक्विटल। अदालत ने बरी कर दिया है केजरीवाल को 2016 के मानहानि के मामले में, जो किसके द्वारा किया गया था? भिदूरी के द्वारा। डिफेमेशन, मानहानि, इसकी बर्फ सुनी होगी, डिफेम, बदनाम करना। BJP का MP था एलिज, उसने आरोप लगाया था, एलिज आरोप लगाना कि जो CM है उन्होंने उसको बदनाम किया था, CM ने एक इंटरव्यू में। डीफेम, बदनाम करना, जब कोई हम पे झूठा आरोप लगा दे, बदनाम कर दे, तो उस पर कौन सा केस लगा सकते हैं? मानहानि का।
मैन किल्स सेल्फ, एक व्यक्ति ने अपने आप को मार लिया ओवर रेंट, किराए के ऊपर। टू माइनर्स, दो नाबालिग हैं, नाबालिग वही होंगे जिनकी उम्र 16 साल से कम होगी। अमंग, उनमें से हैं, उन चार लोगों में से हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। होल्ड फर्स्ट फॉर्म होती है, हेल्ड हेल्ड सेकंड थर्ड फॉर्म होती है गिरफ्तार करना। तो चार लोग गिरफ्तार हुए, उनमें से दो नाबालिग हैं। किस बात के लिए? वाहनों को क्षति पहुंचाने के लिए, इन लोगों ने वाहनों को क्षति पहुंचाई होगी, डैमेज, क्षति पहुंचाना। मेन एक्यूज, जो मुख्य आरोपी है, मेन जानते होंगे, मुख्य एक्यूज्ड आरोपी, येट टू बी अरेस्टेड, उसे अब तक गिरफ्तार किया जाना है, मतलब वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, येट अब तक। एचएसआरपी जो है, अब होम डिलीवरी की जाएगी। होम डिलीवरी का मतलब उन्हें खरीदने के लिए आना नहीं, घर पे ही पहुंचा दिया जाएगा। गवर्नमेंट ग्रीन लाइट्स, या ग्रीन लाइट वर्ब के रूप में आ रहा है, किसी को हरी बत्ती दिखा देते हैं, इसका मतलब क्या है, उसको स्वीकृति दे देते हैं। सरकार ने स्वीकृति दे दी है हरे पटाखों को इस साल। फायर क्रैकर जानते होंगे, पटाखे। गोपाल राय सेज, गोपाल राय ने कहा है की रीजन, जो मुख्य कारण है, की का मतलब मुख्य, मेन, जो मुख्य कारण है प्रदूषण में अचानक वृद्धि के लिए। स्पाइक का मतलब अचानक वृद्धि, सडन इंक्रीज, जो प्रदूषण में अचानक वृद्धि हो जाती है उसके मुख्य कारण क्या है, दीपावली, एक तो दीपावली मुख्य कारण है, और स्टबल बर्निंग, जो पराली जलाते हैं, पराली जानते होंगे, फसल का वो हिस्सा जो बच जाता है उसे पराली बोलते हैं। तो इन्होंने प्रदूषण में अचानक वृद्धि हो जाती है उसके मुख्य कारण कौन कौन बताए, एक तो दीपावली और एक पराली का जलाना। एंटी क्रैकर कैंपेन, पटाखों के खिलाफ जो अभियान है नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, एंटी क्रैकर, पटाखों के खिलाफ, एंटी जानते होंगे खिलाफ, कैंपेन जानते होंगे अभियान, अभियान कह लो, ड्राइव कह लो, ड्राइव मिस भी अभियान। सिविक डॉक्टर्स, जो नगर निगम के डॉक्टर हैं, सिविक आता है नगर निगम के लिए, नगर निकाय के लिए, जो नगर निगम के डॉक्टर हैं उन्होंने अपनी हड़ताल रद्द कर दी है। स्ट्राइक होती है हड़ताल, और कॉल ऑफ माने रद्द करना, कैंसल। हड़ताल रद्द कर दी है मतलब हड़ताल अब नहीं कर रहे। बीजेपी डेलीगेशन, जो बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल है, डेलीगेशन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधियों का समूह, प्रतिनिधि मंडल, बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल मीट किससे मिला है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, उपराज्यपाल से, ओवर किस चीज के ऊपर मिला है, फंड्स डिस्प्यूट, जो फंड्स के बारे में, पैसों के बारे में विवाद चल रहा है नगर निगमों के बीच, नगर निकाय के बीच, जो नगर निगम है वो आपस में लड़ रहे हैं, नगर निकायों के बीच आपस में ही झगड़ा हो रहा है, तो इस झगड़े को निपटाने के लिए बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल किससे मिलने गया है, उपराज्यपाल से। आम आदमी पार्टी लीडर से, आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा है इट वॉज एन अटेम्प्ट, ये एक प्रयास है टू डिफेम डिस्पेंसेशन, सरकार को बदनाम करने का, डिफेम बदनाम करना, डिस्पेंसेशन का मतलब यहां गवर्नमेंट, सरकार। एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत मिल गई है मेहम के एमएलए को, एंटीसिपेटरी अग्रिम
कई लोग होते हैं जो अरेस्ट होने से पहली जमानत ले लेते हैं। इट अपीयर्स, ये प्रतीत होता है, अपीयर प्रतीत होना, टू बी ए केस ऑफ हाई हैंडेडनेस ऑफ पुलिस, ये एक पुलिस के मनमानी का केस प्रतीत होता है। हाई हैंडेडनेस, मनमानी कह लो, जुल्म कह लो, अत्याचार कह लो, मनमानी वो होती है जब पुलिस जो है नियमों के अनुसार नहीं चल रही है, अपने मन से काम कर रही है। हाई हैंडेडनेस, मनमानी, अत्याचार, जुल्म, ये पुलिस की मनमानी का मामला प्रतीत होता है, ये बात जज ने कही है। थ्री पर्संस, तीन व्यक्तियों को गैट मिल गई है बेल जमानत दंगों के मामले में। रायट्स क्या होते हैं? दंगे, बेल जमानत, गैट पाना। दे कैन नॉट बी कैप्ट इन जेल, उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता जब तक भीड़ के प्रत्येक व्यक्ति की पहचान नहीं हो जाती। जब सबकी पहचान हो जाए तब रखो इनको। आइडेंटिफाई, पहचान करना, पता होगा आइडेंटिफाई वर्ब होती है, और आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? नाउन। मॉब जानते होंगे, गुस्साई भीड़, जो भीड़ गुस्से में होती है, उपद्रव करती है, उसे मॉब बोलते हैं। सिचुएशन नॉट नॉर्मल, स्थिति सामान्य नहीं है। डू नॉट लोअर गार्ड, सावधानी कम मत करो। लोअर कम करना, गार्ड में सावधानी, मतलब लोअर गार्ड पूरे का मतलब हो गया सावधानी कम करना। जैसे कुछ लोग सोच बैठे कोरोना तो कुछ है ही नहीं, अब बिना मास्क के घूम रहे हैं, खूब घुल मिल रहे हैं, तो उन्होंने अपना गार्ड लोअर कर लिया, मतलब सावधानी कम कर दी है। स्थिति सामान्य नहीं है, अपनी सावधानी कम मत करो। ये बात किसने कही है? जो दिल्ली का सबसे पहला पेशेंट था, किसका? कोविड 19 का। पेशेंट जानते होंगे, मरीज, रोहित दत्ता इनका नाम है। एडवाइजेज, इन्होंने सलाह दी है लोगों को स्टे, बने रहने की, ठहरने की, इंडोर, घरों के अंदर। इंडोर जानते होंगे, घरों के अंदर। ड्यूरिंग, किसके दौरान? फेस्टिव सीजन, उत्सव के मौसम के दौरान। एज, चूंकि, चांसेस ऑफ वायरस स्प्रेडिंग, वायरस के फैलने के जो चांस हैं, संभावनाएं हैं, आर हाइयर, वो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब मौसम के जो ये त्योहारों का मौसम हो रहा है, इसके दौरान वायरस के फैलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। स्प्रेड जानते होंगे, फैलना। कांग्रेस इनवोक, इनवोक अभी बताया भी था, यूज, प्रयोग करना। कांग्रेस ने किसके नाम का प्रयोग किया है? लक्ष्मीबाई जी के। फॉर किस, टू टारगेट सिंधिया, किसको निशाना बनाने के लिए? सिंधिया को, कहां पर? एमपी में। इट फ्लेज, कांग्रेस ने आलोचना की है, फ्ले मिस, आलोचना करना भी आया था, स्लेम एस एल एम, फ्ले और स्लेम एक ही बात है। कांग्रेस ने सिंधिया की आलोचना की है, फॉर किस बात के लिए? बिट्रेइंग, इनका यह कहना है कि सिंधिया ने विश्वासघात किया है जनादेश के साथ। बिट्रे, विश्वासघात करना, मैंडेट, जनादेश। जनादेश क्या होता है? जो जनता जिसको चुनती है उसे जनादेश कहते हैं। कांग्रेस में जनादेश किसको मिला? वो एमपी में, मध्य प्रदेश में जनादेश किसको मिला था? कांग्रेस को। तो कांग्रेस ने सिंधिया की आलोचना की है किस बात के लिए? कि उन्होंने विश्वासघात किया है जनादेश के साथ और राज्य के मतदाताओं के साथ। सेंटर्स फार्म लॉज, केंद्र सरकार के कृषि जो कानून है, विल हिट, वो प्रभावित करेगा। हिट मिस, प्रभावित करना, अफेक्ट, वो प्रभावित करेगा मार्केट के सुधारों को। रिफॉर्म्स जानते होंगे, सुधार, ये बात किसका कहना है? विशेषज्ञों का। दे वॉन्ट ऑगर वेल फॉर स्मॉल फार्मर्स, वे अच्छे संकेत नहीं है, ये कानून अच्छे संकेत नहीं है छोटे किसानों के लिए। ऑगर, सकुन होना, संकेत होना, इंडिकेट।
ऑगर का मतलब किसी चीज का संकेत होता है, अच्छे संकेत आ रहे हैं, खराब संकेत आ रहे हैं, शकुन अपशकुन सुना होगा। तो ये जो कानून है वो छोटे किसानों के लिए अच्छे संकेत नहीं है। रेनो हॉर्न ट्रेड, हॉर्न जानते होंगे सींग, रेनो जानते होंगे रेनोसरस, गैंडा को बोलते हैं इसके नाक पर सींग होता है। ट्रेड तो उसके सींग का जो व्यापार चलता है, सेविन काजीरंगा वर्कर्स हेल्ड, जो काजीरंगा पार्क है उसके साथ मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हॉर्न में सींग, ट्रेड जानते होंगे व्यापार, ट्रेडर कौन होता है व्यापारी, होल्ड हेल्ड हेल्ड जानते होंगे गिरफ्तार करना। हाई कोर्ट डायरेक्ट्स, हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं बीएमसी को, मुंबई की नगर पालिका को निर्देश दिए हैं पे के भुगतान करो, सैलरी तनख्वाह का भुगतान करो 268 विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉयज, विजुअली इम्पेयर्ड नेत्रहीन, जिनकी आंखें या तो पूरी तरह से खराब हो या आंशिक रूप से खराब हो, नेत्रहीन, विजुअली इम्पेयर्ड का मतलब नेत्रहीन, तो नेत्रहीन जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह तुरंत पे करो। सिविक बॉडीज, जो नगर निकाय है, नगर पालिका है, सर्कुलर एंड इट्स एक्शन, जो नगर निकाय ने अपना लेटर जारी किया और उसकी जो कार्रवाई है, क्या कार्रवाई की है नगर निकाय ने, उन नेत्रहीनों की तनख्वाह रोक ली है। विद होल्ड का मतलब रोकना, स्टॉप। तो नगर निगम का जो लेटर है और उसकी जो कार्रवाई है, जिस कार्रवाई के तहत उसने उन नेत्रहीनों की तनख्वाह रोक ली है, वो कार्रवाई इलीगल है, अवैध है। ये बात किसकी कहना है, अदालत का। इलीगल जानते होंगे अवैध। सर्कुलर क्या होता है, एक लेटर कोई जारी किया जाता है उसे सर्कुलर बोलते हैं, एक ही लेटर होता है कई जगह भेजा जाता है। एमएनएस और शिवसेना ने वॉर्न, चेतावनी दी है, वॉर्न का नाम सुना होगा, वार्निंग, चेतावनी दी है कुमार सानू के लड़के को ओवर, किस बात के ऊपर, जो उसने रिमार्क कर दिया था, टिप्पणी कर दी थी मराठी भाषा के ऊपर, रिमार्क कमेंट एक ही बात है। पेरेंट कंपनी ऑफ कलर्स चैनल, जो कलर चैनल आता है टीवी पर, उसकी जो पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी वो होती है जिसने ये चैनल बनाया है, दैट ब्रॉडकास्ट, जो प्रसारण करती है, ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट एक ही बात होती है, प्रसारण करना। रियलिटी शो, कौन सा रियलिटी शो का प्रसारण करती है, बिग बॉस। अपोलोजाइजेस, उस पेरेंट कंपनी ने माफी मांग ली है उद्धव ठाकरे से, अपोलोजाइज, माफी मांगना, ये ध्यान रखना, अपोलोजाइज और फॉरगिव अलग अलग वर्ड होते हैं, अपोलोजाइज माफी मांगना होता है और फॉरगिव माफ करना होता है। जेनेसिस, जो शुरुआत है, जेनेसिस माने बिगनिंग, शुरुआत, किसी चीज की जेनेसिस हो रही है तो शुरुआत हो रही है, बिगनिंग हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है, इंसेप्शन हो रहा है। आई एन सी ई पी टी आई ओ एन, इंसेप्शन का मतलब भी शुरुआत। जो एफआईआर हुई है अगेंस्ट किसके खिलाफ, सुशांत की बहनों के खिलाफ, उस एफआईआर की शुरुआती त्रुटिपूर्ण है, यह बात सीबीआई ने किसको सूचना दी है, हाईकोर्ट को, यानी वो एफआईआर ही गलत है, उसकी शुरुआती गलत है। फ्लॉड, त्रुटिपूर्ण, जिसके अंदर कमियां हो, फ्लॉ का मतलब ही कमियां, त्रुटि। एलिगेशंस, जो आरोप लगे हैं उनकी बहनों के खिलाफ, एलिगेशंस आरोप, आर मोस्टली, वो अधिकांश आरोप प्रीजम्पटिव है, प्रीजम्पटिव का मतलब होता है कोई चीज मान के चलते हैं, प्रिज्यूम सुना होगा, स्पेक्यूलेटिव है, मानकर चल रहे हैं, इन नेचर। तो अधिकांश आरोपों की नेचर कैसी है, प्रकृति कैसी है, प्रीजम्पटिव और स्पेक्यूलेटिव। प्रीजम्पटिव और स्पेक्यूलेटिव दोनों का मतलब क्या है, मानकर चलना, काल्पनिक।
राजू सेट्टी को भर्ती करा दिया गया है पुणे के हॉस्पिटल में। एनसीबी सीजेस, एनसीबी ने जब्त कर लिया है, सीज जब्त करना, कॉन्ट्राबैंड प्रतिबंधित सामग्री को, कॉन्ट्राबैंड वो प्रतिबंधित सामग्री होती है जिसका आयात और निर्यात नहीं कर सकते, जिसे खरीद और बेच नहीं सकते। एनसीबी ने जब्त कर लिया है प्रतिबंधित सामग्री को, हिडन जो किसमें छिपी हुई थी, कोरियर शिपमेंट इन मुंबई। कोरियर शिपमेंट जानते होंगे, सो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है शिप के द्वारा, उसे क्या बोलते हैं, शिपमेंट। कोरियर का काम ही होता है सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। सेवेंटी काउज डाई, सत्तर गाय मर गई हैं सेल्टर इन हरियाणा, एक सरल स्थल में, कहां पर, हरियाणा में। सेल्टर जानते होंगे सरल स्थल, जहां पे इनको सरल दी जाती है। माई नोवल, जो मेरा उपन्यास है, मिस रिप्रेजेंटेड, उसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, कौन सी पिक्चर में, मिर्जापुर 2 में। अक्लेम्ड, अक्लेम्ड का मतलब प्रसिद्ध, रेनाउंड फेमस, जो प्रसिद्ध हिंदी राइटर है उन्होंने कहा है पार्ट्स, जो मेरे नोवेल के कुछ हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, रेड आउट, जिन्हें पढ़कर सुनाया गया है। रीड आउट का मतलब होता है पढ़कर सुनाना, रीड में तो खुद पढ़ते हैं, रीड आउट में पढ़ के सुनाते हैं, कोई दूसरा सुनना होता है। तो मेरे नोवेल के वो पार्ट्स जिनको पढ़कर सुनाया गया है, स्ट्रीमिंग सीरीज इस मूवी में, नॉट फ्रॉम ढाबा, जो मेरी नोवेल है ढाबा उससे वो पार्ट नहीं है, वो अलग से है। स्ट्रीमिंग सीरीज जानते होंगे, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है कई चैनलों पे। बीजेपी स्पिरिचुअल फ्रंट, जो बीजेपी का आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल क्या होता है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक क्या होता है, भगवान से जुड़ा हुआ, भगवान से संबंधित, जो बीजेपी की आध्यात्मिक फ्रंट है, फ्रंट का मतलब संगठन से निकलता है, तो बीजेपी से जुड़ा हुआ कोई संगठन होगा जो कि आध्यात्मिक है। इश्यू उसने जारी कर दिया है, अल्टीमेटम अंतिम चेतावनी जारी कर दी है सरकार को, किसके बारे में अंतिम चेतावनी जारी कर दी है, धार्मिक स्थानों को खोलने के बारे में। रिलीजियस क्या होता है, धार्मिक, और प्लेसेस क्या होते हैं, स्थान। इट थ्रेटन्स, इस संगठन ने धमकी दे दी है, थ्रेटन धमकी देना, ब्रेक ओपन लॉक्स कि वो ताले तोड़कर खोल देंगे मंदिर, कब से कब खोल देंगे, 1 नवंबर को, यदि सरकार ने मंदिर नहीं खोले तो वो ताले तोड़कर खोल देंगे, ये संगठन ने धमकी दी है। इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, किस बात के लिए, इन्होंने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की थी, वैंडलाइज, तोड़फोड़ करना, और वैंडल VANDL वो व्यक्ति होता है जो तोड़फोड़ करता है। कोसियारी सेंट्स, कोसियारी ने भेजी है कॉफी बुक, एक किताब भेजी है पवार के पास। कॉफी बुक एक प्रकार की बुक होती है जिसमें पिक्चर्स ज्यादा होती है, पढ़ने की सामग्री कम होती है। गेट्स, उसके बदले में क्या मिला है जो उन्होंने किताब भेजी है। सार्केज्म, टोंट, सार्केज्म और टोंट का एक ही मतलब होता है, ताना, ताना कह लो, कटाक्ष कह लो। ताना और कटाक्ष क्या होता है, किसी के बारे में कुछ कहते हैं, शब्द कुछ कहते हैं और अर्थ दूसरा निकलता है, हंसी उड़ाई जाती है। जैसे किसी मोटे व्यक्ति को देख के कोई कहे बड़े पतले हो गए हो, तो उस पर क्या मार रहा है, टोंट मार रहा है, ताना मार रहा है, कटाक्ष कर रहा है। तो सार्केज्म और टोंट का एक ही मतलब होता है, ताना कह लो, कटाक्ष कह लो। इन कॉम्प्लीमेंट, इनको प्रशंसा में ताना मिला है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, प्रशंसा, तारीफ, प्रेज। हमारे लिए 3 वर्ड इंपॉर्टेंट थे, कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा, टोंट ताना, सार्केज्म का मतलब भी ताना। और कॉफी बुक जान गए होंगे, एक प्रकार की किताब। वैंडलाइज क्या हो गया, तोड़फोड़ करना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, ओके।